गुड मॉर्निंग यूर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग यूर स्टूडेंट। आज मैं आपको वर्ब्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच में चौथा पॉइंट एक वर्ब है। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया जो वाक्य में काम करता है, जो किसी भी वाक्य में जिसका काम हो रहा है वो वर्ब होती है। हिंदी में उसे वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में वर्ब, हिंदी में क्रिया। जो भी वाक्य में जो कार्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं और इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। जैसे मोहन किताब पढ़ता है तो मोहन रीड्स द बुक, तो मोहन क्या करता है, पढ़ता है, पढ़ने काम करता है। तो यहाँ हमारी रीड क्या हो गई, क्रिया। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पर प्लेइंग क्या हो गया, कह काम हो रहा है खेलने का, प्ले माने खेलना। तो ये तुम्हारी प्ले क्रिया हो गई। अब समझो कि काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब ये उसे मुख्यतः तो ये चार प्रकार के होते हैं। वर्ब्स है फोर काइंड्स, लेकिन अब कुछ है तो उसमें पांचवा भी शामिल कर लिया गया है। पांचवा अलग से भी है, प्रकार में भी शामिल है। तो इस तरह तुम ये समझो वर्ब्स है फाइव काइंड्स। कितने काइंड्स वर्ब के, फाइव काइंड्स, पांच प्रकार की क्रियाएं होती है। पहला है इंट्रांसिटिव वर्ब। कौन वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब को अंग्रेजी में हम, हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी जिसमें कर्म न दिया हो, कर्ता हो और क्रिया हो, यानी सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, कर्म और अथवा ऑब्जेक्ट कर्म न दिया हो। जैसे मोहन रीड्स, मोहन पढ़ता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया, कर्म नहीं दिया, इसलिए हमारी कौन क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव वर्ब। जिसमें कर्म न दिया हो वो हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब होता है, उसे हिंदी में हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। एज एग्जाम्पल एक देखो, मोहन इज रीडिंग, मोहन इज रीडिंग, मोहन पढ़ रहा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया। आई टॉट, मैंने पढ़ाया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया। तो जिसमें ऑब्जेक्ट ना दिया हो उसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया क्या है, यानी कुल मिला के ये बताओ कि समझो कि इंट्रांसिटिव वर्ब को हम हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें कर्म ना दिया हो वो हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है। दूसरा तुम्हारा आता है ट्रांसिटिव वर्ब, हिंदी में इसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। हिंदी में क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया, यानी जिसमें कर्म हो। जैसे आई एम रीडिंग योर बुक, आई एम रीडिंग योर बुक, तो यहां मैं तुम्हारी किताब पढ़ रहा हूं, तो करता है आई, एम तुम्हारी सहायक क्रिया हो गई और क्रिया हो गई रीडिंग, क्या हो गई रीडिंग, लेकिन क्रिया के बाद इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट हो, कर्म हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब, और हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, यानी कर्म सहित जिसमें कर्म लगा हो वो हमारी ट्रांसिटिव वर्ब होती है, हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में और एक समझ लो, मोहन हैड टॉट मी, मोहन हैड टॉट मी, मोहन ने मुझे पढ़ाया, मोहन ने मुझे पढ़ाया, तो इसमें भी मोहन पढ़ाया तो ठीक है, लेकिन मुझे, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट आ गया, इसलिए ट्रांसिटिव वर्ब, ये वाक्य कौन होगा, ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। तीसरा नंबर आता है लिंकिंग वर्ब। कौन वर्ब, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को हम हिंदी में संयोजक क्रिया कहते हैं। कौन क्रिया कहते हैं, संयोजक। लिंकिंग वर्ब समझो है क्या, लिंकिंग वर्ब ये है कि जो सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को, यानी वाक्य को पूरा करे, जो पूरा करने में सहयोग करे, वो हमारा लिंकिंग वर्ब होता है। जैसे आई एम ए टीचर, तो मैं एक अध्यापक हूं, तो मैं का संबंध किससे है, किसको जोड़ रहा है, टीचर, टीचर को जोड़ रहा है। यहां पर एम जो क्रिया तुम्हारी आई वो तुम्हारा लिंकिंग वर्ब है। आई एम ए टीचर, यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। तो इसमें सब्जेक्ट का संबंध, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इज, एम, जो भी क्रिया आ जाए उसमें
कॉम्प्लीमेंट का काम करे, वाक्य को पूरा करने का काम करे कॉम्प्लीमेंट से, तो वो हमारी संयोज लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब को हम हिंदी में संयोजक क्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में ना है तो पूछ लेना, अभी पूछ लो या बाद में पूछ लेना। फिर चौथा नंबर आता है ऑक्सिलियरी वर्ब। कौन वर्ब? ऑक्सिलियरी वर्ब। स्पेलिंग देख लो एक बार, ए यू एक्स आई एल आई ए आर वाई, ऑक्सिलियरी वर्ब। और इसको क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। हिंदी में क्या कहेंगे? सहायक क्रिया। अब ऑक्सिलियरी वर्ब में सहायक क्रिया, तो इसे तुम लोगों टेन से पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर समझ लो। पहला होता है बी का फॉर्म। क्या फॉर्म होता है? बी का। बी का इज आई एम आर वाज बेयर, इज आई एम आर वाज बेयर, ये बी का फॉर्म हो गया। फिर तुम्हारा होता है डू का फॉर्म। तो डू का फॉर्म हो गया डू डज डिड, डू डज डिड। फिर तुम्हारा आता है हैव का फॉर्म। तो हैव हैज हैड, हैव हैज हैड। अगर ये जितनी भी सहायक क्रियाएं तुम्हें बताई गई हैं, इसका हम टेंस के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वहां पर हम ऑक्सिलियरी वर्ब होगा। टेंस ऑक्सिलियरी वर्ब में टेंस और मॉडल दोनों आते हैं, टेंस और मॉडल दोनों आते हैं। अब इसको जरा समझ लो, ऑक्सिलियरी वर्ब के दो होते हैं। तो अगर ऑक्सिलियरी वर्ब केवल दोनों में कोई दे दे तो ये ऑक्सिलियरी वर्ब तो कह सकते हो, लेकिन अगर उससे पूछे ये कौन सा पार्ट है, तो ऑक्सिलियरी वर्ब के दो पार्ट है। काइंड्स ऑफ ऑक्सिलियरी वर्ब, काइंड्स ऑफ ऑक्सिलियरी वर्ब, यानी सहायक की, इसके सहायक क्रिया के दो पार्ट हो गए। पहला तुम्हारा ऑक्सिलियरी वर्ब कौन है? प्राइमरी ऑक्सिलियरी। पहला कौन है? प्राइमरी ऑक्सिलियरी। और दूसरा क्या है? मॉडल ऑक्सिलियरी। दूसरा क्या है? मॉडल ऑक्सिलियरी। प्राइमरी ऑक्सिलियरी मैंने तुम्हें बताया, जो कि बी के फॉर्म इज आई एम आर वाज बेयर, डू के फॉर्म डू डज डिड, और हैव के फॉर्म हैव हैज हैड। ये तुम्हारे कौन है? प्राइमरी ऑक्सिलियरी है, बशर्ते इनका प्रयोग किसमें आया हो? सहायक क्रिया के रूप में आया हो और टेंस में हो। अब दूसरा तुम्हारा मॉडल ऑक्सिलियरी। मॉडल, मॉडल ऑक्सिलियरी यानी जो यूज बताए गए तुम लोगों को। बिल का वुड, तो वुड हो गया। सेल का शुड, बिल हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, आर टू हो गया, हैव हैज हैड हो गया। जितने भी प्रयोग बताएंगे, अगर हैव हैज डबल में आता है उसमें भी आता है, कहते हैं कि प्राइमरी में भी हैव आ जाएगा हैड आ जाएगा, और मॉडल में भी हैव हैज हैड आएगा। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये यूज में होगा, जैसे आई हैव फाइव सिस्टर्स, मेरी पांच बहने हैं, तो यहाँ पर ये मॉडल आया है, यहाँ प्राइमरी में नहीं आया। अब अगर आई हैव टॉट यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैंने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया, तो ये तुम्हारा हैव तो आया, हैव तो आया, आई हैव टॉट, मैं तुम्हें अंग्रेजी, मैंने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया था, तो यहाँ हैव तो आ गया, हैव तो आ गया, लेकिन ये क्या है? टेंस में है, इसलिए हमारा प्राइमरी ऑक्सिलियरी होगा। अंडरस्टैंड, समझ में आएगा? फिर एक बार समझ लो, प्राइमरी ऑक्सिलियरी क्या है, जो जितना समझो कि बी के फॉर्म इज आई एम आर वाज बेयर, ये हो गए तुम्हारे। फिर डू का फॉर्म डू डज डिड हो गया। फिर हैव का फॉर्म हैव हैज हैड, बशर्ते ये है कि टेंस में हो, जो रूल में हो उसमें अगर आ रहा है तो तुम्हारा प्राइमरी ऑक्सिलियरी है। इस तरह इज आई एम आर का भी प्रयोग होता है, यूज ऑफ इज आई एम आर, हैज हैव का भी होता है, अगर वो यूज में आ रहे हैं तो तुम्हारा मॉडल ऑक्सिलियरी होगा, वर्ब होगा। अब अब अगला आता है फ्रेजर वर्ब। कौन वर्ब आता है? पांचवा नंबर होता है फ्रेजर वर्ब, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया हिंदी में इसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। एग्जाम्पल में समझो, एग्जाम्पल ऑफ फ्रेजर वर्ब, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। प्रयोग में तुम्हारे कहन हो गए, आई कैन नॉट पुट अप विथ दिस, आई कैन नॉट पुट अप दिस विथ दिस, I cannot put up with this। यहां जो put up शब्द आया है, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा फ्रेजर वर्ब है। क्या है ये? फ्रेजर वर्ब है। फिर अगला एग्जाम्पल, वो अपनी बहन के बच्चों की देखभाल करता था, वो अपने बच्चों की बहन की देखभाल करता था, तो he looks after the children of his sister, he looks after the children of his sister। यहां ये look after आया, looks after, ये शब्द, ये तुम्हारा फ्रेजर है, ये तुम्हारा फ्रेजर है। समझ में आ गया? इस तरह ये तुम्हारे वर्ब्स के पांच काइंड होते हैं। एक बार फिर से समझ लो, पहला इंटेंसिव वर्ब,
हिंदी में अकर्मक क्रिया, दूसरा ट्रांसिटिव वर्ब हिंदी में सकर्मक क्रिया, तीसरा लिंकिंग वर्ब हिंदी में संयोजक क्रिया, चौथा ऑक्सिलरी वर्ब हिंदी में सहायक क्रिया, पांचवा फ्रेजल वर्ब हिंदी में संयुक्त क्रिया। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब के दो काइंड्स हो जाते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में पूरी हेल्पिंग वर्ब आती है, इज, आई, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डू, डिड, डज, एग्जाम। और फिर फ्रेजल वर्ब तुम्हारा एक पांचवा है, संयुक्त क्रिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया?